अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर साथियों जो आ रही है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अब साथियों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जितनी भी वहाँ पे कतर में दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर वाली दुकान हो, जो भी दुकानें हैं, तो जो भी सामान यदि हम लोग दुकानों में बेचते हैं तो वहाँ पे दोस्तों अरबी से वो सामान का नाम लिखना और प्राइस लिखना वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे सामानों आपको देखने को मिलता होगा सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता था, पर अरबी से किसी किसी सामान में दाम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहता था। पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कतर में जितनी भी सामानें अब मिलेंगी, चाहे वो छोटी मोटी दुकानें हो, मॉल्स हो, शॉप्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीट वेंडर हो, कोई भी सामान हो, तो दोस्तों उसमें नाम जो है अब अरबी से लिखा होना वहाँ पे मस्ट होगा। नहीं तो एक लाख का दोस्तों आप कतरी रियाल तक का आपको जुर्माना, प्लस आपको 1 से 2 सालों तक की आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों यदि आप लोगों का कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, जो भी प्रवासी आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो अरबी से जरूर लिखवा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगली जो खबर साथियों जो कतर से आ रही है, साथियों बताना चाहूंगा कतर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री। दोस्तों कतर जो है दुनिया का सबसे, मतलब गल्फ कंट्रियों में सबसे एक्सपेंसिव कंट्री यानी सबसे महंगा देश बन गया है। जो यहाँ पे रेंट अपार्टमेंट, जो दोस्तों जो हम लोग अपार्टमेंट वहाँ पे बना हुआ होता है जिसका हम लोग किराए पे लेते हैं, वो सबसे ज्यादा महंगा कतर में है। पूरी गल्फ कंट्री के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा महंगा कतर हो गया है, और पूरी दुनिया के बारे में बात करें दोस्तों वो 5वें नंबर पे कतर आता है। अब इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर कितनी महंगी कंट्री हो चुकी है। वहाँ पे यदि हम लोग अपार्टमेंट वगैरह कुछ लेने के यदि लेते हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। अब दोस्तों अपार्टमेंट सिर्फ वही लोग ले पाते हैं जो एक ग्रेड का काम करते हैं या फिर जो व्हाइट कॉलर वाले जॉब वाले वहां पे हैं, वही लोग वहां पे अपार्टमेंट वगैरह जो है वो ले पाते हैं अपने फैमिली बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए दोस्तों अपार्टमेंट वहां पे लेना इम्पॉसिबल मान के चलिए कि हो सकता है। अब दोस्तों अगली खबर साथियों जो आ रही है वो साथियों आ रही है एमओपीएच की तरफ से आ रही है। साथियों एमओपीएच की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 24 घंटे के अंदर दोस्तों वहां पे 131 न्यू केसेस को वहां पे रजिस्टर किया गया है, जिनमें से 102 केसेस ऐसे हैं जो कि वहां के लोग हैं, जैसे कि सिटीजन या एक्सपर्ट अब जो भी मान के चलिए, और 29 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवलर है, यानी जो लोग एब्रॉड से यानी दूसरे कंट्री से कतर में आ रहे थे, 29 लोग ऐसे हैं। तो कुल मिला के 131 लोग 24 घंटे के अंदर आज कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं पे रिकवरी के बारे में बात करें तो 24 घंटे के अंदर 164 लोग रिकवर हो चुके हैं। टोटल वहां पे 232,269 लोग अब तक वहां पे रिकवर हो चुके हैं। अब दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि वहां पे वैक्सीनेशन का काम कितना हुआ है, तो 46,05,920 लोगों को वैक्सीन अब तक वहां पे पूरे टोटल वहां पे पड़ चुका है। वहीं 24 घंटे में 18,523 लोगों को वैक्सीन 24 घंटे के अंदर पड़ा है। टोटल दोस्तों पॉपुलेशन जो कतर में मौजूद है उनमें से दोनों डोज जो पड़ तक है 79.1% लोगों को वहां पे दोनों डोज की वैक्सीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब साथियों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर की स्थिति कितनी बेहतर पहले से हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सितंबर के एंड होते होते लोग वहां पे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कुछ ही लोग ऐसे बच जाएंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, पर उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि कम से कम एक डोज लोग पूरे वहां पे फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग वहां पे हो जाएंगे। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है साथियों वो बहुत ही अच्छी खबर है, आपको जान के काफी खुशी होगी। साथियों वहां कतर में एक महिला है जिनका नाम है लोलोवा अलमारी। उन्होंने दोस्तों फर्स्ट कतरी आमरी ऐसी है जो कि उनको आयरन वुमेन का खिताब मिला है। जी हाँ साथियों बताना चाहूंगा अलमारी क्रॉस द आयरन मैन हम्बरिंग फिनिश लाइन, मेकिंग हर द फर्स्ट एवर कतरी वुमेन टू कंप्लीट अ फुल डिस्टेंस टेरेथोलॉन स्विमिंग फॉर 2.8 किलोमीटर। दोस्तों बताना चाहूंगा 3.8 किलोमीटर को उन्होंने स्विमिंग करके उन्होंने दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया है और उसको खिताब मिला है आयरन वुमेन का। तो वो कतरी महिला है दोस्तों, कतर की वो रहने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। दोस्तों यदि कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा और उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।